अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि एडिक्शन ट्रीटमेंट में मेडिसिन की इम्पोर्टेंस क्या है या मेडिसिन का रोल क्या है। स्लाइड मूव करें। जैसे कि पहले तो एक बड़ी अहम वजह है कि ज़्यादातर पेशेंट एडिक्शन की ट्रीटमेंट को रेजिस्ट क्यों करते हैं। वजह क्या है, एडिक्शन को ट्रीट क्यों नहीं किया जाता। पेशेंट को तो चले समझ आती है कि मज़ा आ रहा होता है ड्रग लेने में, उसको प्लेजर आ रहा होता है, लेकिन एक लिमिट के बाद प्लेजर की, जब आपको सेंसेस को इतनी ख़ास प्लेजर नहीं आ रहा होता, फिर क्या वजह है कि आप एडिक्शन का ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवाते। सबसे बड़ा जो है इसका रीज़न वो ये है कि एक फियर होता है विड्रॉल सिम्टम्स का। जब भी कोई मरीज़ अपना नशा, अपना ड्रग ऑफ चॉइस छोड़ता है, तो सबसे पहले वो फियर करता है कि अब इसको छोड़ने के नतीजे में जो मुझे विड्रॉल सिम्टम्स, जिसको आम उर्दू में त्रोड़क या तलब कहते हैं, वो आएंगे, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होने। विड्रॉल सिम्टम्स डिफरेंट तरह के होते हैं, एक होते हैं जिस्मानी हैं, एक होते हैं नफ्सियाती हैं। नशा छोड़ने की सूरत में सबसे पहले जिस्मानी विड्रॉल एक्सपीरियंस करने होते हैं, बहुत ज़्यादा बॉडी में दर्द होना, बहुत ज़्यादा आपको नज़ला ज़ुकाम होना, बहुत ज़्यादा पेट ख़राब होना, शदीद दर्द, शदीद साइकोसिस या शदीद बेचैनी, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, रोना, डिप्रेशन, ये तमाम चीज़ें अर्ली फेज़ में आती हैं जब हम नशा छोड़ते हैं। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, डिपेंड करता है कौन सा नशा कितनी देर तक लिया है। तो ज़्यादातर मरीज़ इन चीज़ों से घबराते हैं, ना सिर्फ मरीज़ घबराते हैं, उनकी फैमिलीज़ भी घबराती हैं। और वो बच्चे को नशा छोड़ते हुए जब देखते हैं तो वो कहते हैं इससे भला तो नशा करते वक्त था, इतना बीमार तो नहीं था, इतना चिड़चिड़ा तो नहीं था, नशा लेते हुए ये कैफियत तो नहीं थी। लिहाजा वो कहते हैं कि ये ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल ट्रीटमेंट है, ये हमसे नहीं हो सकता। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि नशे की ट्रीटमेंट में ज़्यादातर लोग इसलिए नहीं आते कि वो उस अर्ली फेज़ को, जिसको हम विड्रॉल फेज़ कहते हैं, उससे खौफ ज़्यादा होते हैं। मरीज़ भी नहीं, सिर्फ उनकी फैमिलीज़ भी। तो एक तो ये वजह है कि अर्ली डिटॉक्स फेज़ में फियर की वजह से आप नशा नहीं छोड़ना चाहते। अब क्या होता है कि मेडिसिन का यहाँ पे क्या रोल है। जब मरीज़ दाखिल होता है तो एक रिहैब की ज़िम्मेदारी होती है कि पेशेंट का ये फियर निकाले। कैसे निकलेगा फियर? उसको ये तकालीफ 0% या नियर टू मिनिमल कर दी जाए, यानी कि उसको बिल्कुल नशा छोड़ने की सूरत में ना होने के बराबर विड्रॉल सिम्टम्स या 0% स्मूथली और स्विफ्टली उसको उस अर्ली फेज से निकाल दिया जाए। ये अर्ली फेज़ जैसे मैंने आप लोगों को बताया है 15 दिन हो सकते हैं, 20-25 दिन, समटाइम्स पूरा महीना भी हो सकते हैं। तो ये वाली जो मेडिसन्स हैं उस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि वो मरीज़ को विड्रॉल सिम्टम्स को एक्सपीरियंस नहीं करने देती, यानी कि ना वो उसको तलब आने देती हैं, ना नशा छोड़ने की सूरत में दर्द आने देती हैं, ना उसको बेचैनी और घबराहट होने देती हैं। या अगर उसको बेचैनी और घबराहट भी होती है तो वो इतनी नहीं होती कि वो बर्दाश्त ना कर पाए या उसकी फैमिली बर्दाश्त ना कर पाए। एक तो ये इनका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है जो अर्ली डिटॉक्स फेज़ में होता है। सेकंड रोल क्या होता है कि जब मरीज़ की नशा छोड़ने की सूरत में तलब कम होती जाती है, अब वो मेंटली एक स्टेबल माइंड सेट में आ रहा है या उसका मेंटल कंपोजर इतना साउंड होता जा रहा है कि जो नशे की ट्रीटमेंट का असल हिस्सा है काउंसलिंग सेशन, अब वो उसके लिए प्रिपेयर हो रहा है। क्योंकि देखें, ये एक नेचुरल बात है, अगर आपके ब्रेन में चिड़चिड़ाहट हो, एंग्जाइटी हो, सामने वाला आपको कितनी भी अच्छी एडवाइस करेगा, आप कभी भी उसकी बात नहीं समझेंगे। जब तक आपका माइंड पुरसकून नहीं होगा, आप किसी की अच्छी एडवाइस, नसीहत, चाहे काउंसलर हो, चाहे घर वाला हो, चाहे डॉक्टर हो, कुछ समझ नहीं आएगा आप लोगों को। तो मेडिसन्स के जो ये रोल है कि वो आपकी एंग्जाइटी को कंट्रोल करती हैं, आहिस्ता आहिस्ता एंग्जाइटी कंट्रोल करके मेंटल कंपोजर आपका ऐसा कर देती हैं, जहन का पीस ऐसे बना देती हैं कि आप कंपैटिबिलिटी में आ जाते हैं अपने काउंसलर के साथ, और काउंसलिंग सेशन जो कि नशे के ट्रीटमेंट का असल हिस्सा है, असल बुनियाद है, उसके लिए रेडी हो जाते हैं। अब आते हैं अगले फेज़ ऑफ ट्रीटमेंट पे। पहला फ़ेज़ हमने कर लिया कि जो एडिक्शन ट्रीटमेंट में डिटॉक्स फ़ेज़ है, उसमें ये दवाइयाँ क्या करती हैं। एक तो वो विड्रॉल्स नहीं होने देती हैं, सेकेंडली मरीज़ को प्रिपेयर करती हैं काउंसलिंग के लिए। अब एक आता है फ़ेज़, कंटिन्यूएशन फ़ेज़। कंटिन्यूएशन फ़ेज़ क्या है? एक महीने बाद जब नशे की मिकदार बॉडी में काफ़ी ड्रॉप हो चुकी होती है,
तब क्या होता है, विड्रॉल तब भी आते हैं, लेकिन वो विड्रॉल जिस्मानी नहीं होते, ना तो वो त्रोड़क होती है, ना तलब होती है, ना पेट ख़राब है, लेकिन अंदर की बेचैनी और घबराहट फिर आ सकती है, नशा करने का दिल फिर कर सकता है। इसको हम कहते हैं पोस्ट एक्यूट विड्रॉल्स। तो ये दवाइयाँ उस वक्त भी बड़ा अहम रोल प्ले करती हैं, उस वक्त भी पेशेंट की एंग्जाइटी को और बेचैनी को मैनेज करती हैं, और उस वक्त भी पेशेंट को इतना काम और पीसफुल स्टेट में रखने में हेल्पफुल करती हैं कि उनका काउंसलर उनको बाहर जाके नशे के बगैर ज़िंदगी कैसे गुजारनी है उसके बारे में कोपिंग स्किल्स अपनी एजुकेशन के ज़रिए सिखा सके। यानी कि जो सेकंड फेज़ ऑफ ट्रीटमेंट है उसमें भी इन दवाइयों का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल उनका पहले फेज़ ऑफ ट्रीटमेंट में है। अच्छा, अब थर्ड और फाइनल फेज़ ऑफ ट्रीटमेंट है नशे के इलाज से इंडोर के बाद का फेज़। यानी कि इंडोर ट्रीटमेंट एक फ़ेज़ मुकम्मल हो गया, अब मरीज़ जो है वो रेडी है बाहर की दुनिया में जाने के लिए, घर वालों के साथ रहने के लिए। इसमें क्या होता है कि कुछ मरीज़ इतने मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं अंदर सेशंस के ज़रिए ही और दवाइयों से ही इतने स्टेबल होते हैं कि जब वो बाहर जाते हैं इंडोर ट्रीटमेंट के बाद तो उनको दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती। छोटे मोटे मल्टी वाइटामिनस एक अलहदा दवाइयाँ हैं, क्योंकि नशा कर करके जिस्म इतना वीक हो चुका होता है कि मल्टी वाइटामिनस चाहिए होते हैं। अदरवाइज़ उसको नफ्सियाती दवाइयों की मोस्ट ऑफ़ द टाइम ज़रूरत नहीं भी हो सकती। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि पेशेंट असाबी तौर पे कमज़ोर होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, फिर क्या होता है कि जब वो बाहर जाते हैं रिकवरी में रहते हैं, माशरा उनको एक्सेप्ट नहीं करता, या माशरे के जो चैलेंजेस हैं नशे की वजह से, जो वो भूले बैठे थे लाइफ के स्ट्रगल्स को, वो चैलेंजेस उनको स्ट्रेस में डालते हैं और स्ट्रेस उनको वापस रिलैप्स की तरफ लेके जाता है। अक्सर पेशेंट हमारे पास जब रिलैप्स होकर आते हैं तो उनकी वजह भी यही होती है कि वो जॉब पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे, घर वालों की तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरते, तो वो स्ट्रेसफुल होते हैं और स्ट्रेस होकर रिलैप्स करते हैं। ऐसे मरीज़ों के लिए बाहर जाने के बाद भी मेंटेनेंस फेज़ में दवाइयाँ देनी ज़रूरी होती हैं, ताकि वो बाहर जाके अपने काउंसलर की सिखाई हुई स्किल्स को ना सिर्फ प्रैक्टिस करें और इन दवाइयों के ज़रिए स्टेबल माइंड में रहें, और ये दवाइयाँ जब वो फिर स्टेबल माइंड के साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे लाइफ चैलेंजेस को, फिर ये ग्रेजुअली कम कर दी जाती हैं। अच्छा, अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं जो रिहैब सेटअप्स के बारे में एसोसिएटेड हैं, जैसे कि क्वैकरी सेटअप्स होते हैं डॉक्टर्स में होते हैं, रिहैब्स में होते हैं, लेकिन जो मिथ्स हैं जो वालदैन को स्पेशली परेशान करते हैं ट्रीटमेंट लेने से, एक तो सबसे पहले ये कि वालदैन कहते हैं कि एक नशे से निकले अब आपकी दवाइयों के नशे पे पड़ गए, यानी कि नशा छोड़ा लेकिन दवाई डिपेंडेंट हो गए। ऐसा हरगिज़ नहीं है, क्योंकि ये दवाइयाँ नशे जितनी मकदार में नहीं होती। हेरोइन कोई बच्चा करता है आधा ग्राम, दो ग्राम आइस, एक ग्राम हेरोइन, ये दवाइयाँ बड़ी माइनर क्वांटिटीज़ में होती हैं, और इसको हम कहते हैं ये थेरापीटिक क्वांटिटी है, यानी कि ये वो क्वांटिटी होती है जो ड्रग एसोसिएशंस के साथ अप्रूव्ड होती है। यानी कि पेनाडॉल, अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो कभी भी वो आपको हज़ारों मिलीग्राम में नहीं मिलेगी, 500 mg की एक गोली मिलेगी, और डॉक्टर भी कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि आप एक पत्ता पेनाडॉल का खाएं, वो कहेगा आप एक सुबह, एक दोपहर, एक रात खाएं, क्योंकि वो ह्यूमंस के लिए एक थेरेप्यूटिक रेंज बनाई गई है। तो ये मेडिसन्स भी थेरेप्यूटिक रेंज में दी जाती हैं, इसलिए इनकी डिपेंडेंसी होने का चांस नहीं होता। सेकंड चीज़ ये है कि पेशेंट का भी कंसर्न होता है और वालदैन का भी, कि कहीं इनमें कोई दवाई ऐसी तो नहीं है जो एडिक्शन जैसी हो, जिसकी एक गोली भी एक दफ़ा ले ली जाए तो फिर हमें उसकी बार बार तलब हो। तो यहाँ पर ये इमेज क्लियर करना ज़रूरी है कि जब हम नशे का इलाज करते हैं तो हमेशा हम वो इलाज गाह चूज़ करते हैं जो पंजाब हेल्थ केयर के साथ एसोसिएटेड हो, रजिस्टर्ड हो, क्योंकि पंजाब हेल्थ केयर के बाकायदा SOPs हैं जो कि इन दवाइयों को रिव्यू करते हैं, और तमाम रिहैब्स जो उनके साथ रजिस्टर्ड हैं वो इन दवाइयों को इस्तेमाल करने के पाबंद होते हैं जो कि एडिक्टिव ना हों। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक तीसरा मिथ जो है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली पेशेंट्स भी आते हैं तो कंसर्न्ड होते हैं, फैमिलीज़ भी, कि कहीं नशा छुड़ाने के लिए उससे कम हार्मफुल नशा तो नहीं इस्तेमाल किया जाता, जैसे हेरोइन छुड़ाने के लिए चर्स तो नहीं इस्तेमाल की जाती, चर्स छुड़ाने के लिए अफीम तो नहीं इस्तेमाल की जाती, या 2 ग्राम चर्स के बजाय आधा ग्राम चर्स, इस तरह का कोई तो नहीं अंदर एक्शन होता। तो ये मिथ्स होती हैं, लेकिन जो भी इदारे पंजाब हेल्थ केयर के साथ रजिस्टर्ड हैं वहाँ पे फ्रीक्वेंट रिव्यूअल्स होते हैं इन चीज़ों के,
पेशेंट्स के, ना सिर्फ हमारी फाइलों के और हमारे SOPs के, ताकि देखा जाए कि यहाँ पे वही चीज़ें प्रैक्टिस होती हैं कि नहीं। लिहाजा जब भी रिहैब का आप लोग चॉइस करें, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने की होती है, बिल्डिंग नहीं, सिर्फ़ उसकी पंजाब के साथ रजिस्ट्रेशन देखें कि वह है कि नहीं।